बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में अभिनव प्रयोग के तौर पर नगरपालिका ने हॉट एयर बैलून को भी मेलार्थियों के लिए खोल दिया है। नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने इस कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि मेले को भव्य व आकर्षक बनाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरयू नदी में नौकायन के बाद हॉट एयर बैलून ने मेले की भव्यता को बढ़ाया है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इन दो कार्यों से बागेश्वर में साहसिक पर्यटन के द्वार खुले हैं। सरकार को चाहिए कि इन कार्यों को हमेशा संचालित करें। देखिए, उत्तरायणी कौतिक 2020 को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए हमने इस बार बहुत से नए प्रयोग किए। उसी में से एक हमारा ये हॉट एयर बैलून है जो बागेश्वर में पहली बार हो रहा है, और अभी हमने इसका उद्घाटन भी किया और ट्रायल भी किया, जो ये बहुत ही अनुभव सुखद अनुभव और मिला। इससे बागेश्वर का जो सीन दिख रहा है ऊपर से बहुत शानदार दिख रहा है दृश्य। मैं चाहूँगा कि सभी मेलार्थी इसका आनंद लें, क्योंकि ये बहुत कम जगह पर मिलता है और यह पहली बार बागेश्वर में हो रहा है। देखिए, बागेश्वर में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदर नदियाँ बहती हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने नौकायन का भी प्रयोग किया है और अभी हॉट एयर बैलून का किया है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन बहुत आता है। यहाँ पर नज़दीक में कौसानी, ग्वालदम और हमारे कसार देवी तक आता है, तो बागेश्वर तक भी जरूर आएगा अगर इस प्रकार के इवेंट यहाँ पर किए जाएंगे तो। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।